हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के समय आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं घिया की लोच बना रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि घिया की लोच कैसे बनाई जाती है। आई होप कि आप लोगों को आती भी होगी, पर मैं अपनी बनाने के तरीके को आपको बताना चाहती हूँ। सो देखते हैं, चलिए। ये देखिए गाइस, मैंने घिया पहले छील लिया था। छीलने के बाद मैंने धोया था। धोने के बाद मैंने इसको निचोड़ के अच्छे से और कस के निचोड़ के, और फिर मैंने इसमें चीनी और घिया को मिक्स कर दिया है। कितने घिया में कितनी चीनी डलेगी मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। मैंने 2.5 किलो घिया लिया था, 2.5 किलो घिया लिया था, उसे कस के, और उसमें मैंने चीनी मिलाई थी 2 किलो। 2 किलो में से मैंने एक कटोरी निकाल के रख दी, बाकी 2 किलो ही लगा लो आप कि 2 किलो मैंने इसमें डाल के वो कर दी थी, मिक्स कर दी। जिससे कि अब ये देखो पानी बन के मिक्सचर बन के इसका इस तरीके से इसमें उबाल आ रहा है। देख सकते हो ये इसी तरीके से उबलता रहेगा, और इसमें अब मैक्सिमम कम से कम आधा से पौना घंटा लगेगा इसको सोखने के लिए, इसको सूखने के लिए, इसका पानी ख़त्म होने के लिए ज़्यादा से पौना घंटा लगेगा। तब तक ये ऐसे ही उबलता रहेगा और हम लोग ऐसे ही चलाते रहेंगे इसे। अब हो गया पूरा 1 घंटा हो गया मुझे इसे करते करते, और अब टाइम हो गया है 2:20। मैं 1 बजे, सुबह 1 बजे लगी थी, और अब देखे गए कैसे हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो गाइस, ये इतना मतलब ऐंठ गया है, मतलब सूख गया है, इतना पानी सूख गया इसने जो चीनी डाली थी और घिया डाला था उसकी वजह से। पानी जब ये छोड़ रहा था तो अभी फिलहाल इतना सूख गया है। अभी इसने ज़्यादा भी नहीं तो अभी और 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये जो देख रहे हो ना, ये जो बबल्स आ रखे हैं, ये जो साइडों में झाग हैं, बस ये ख़त्म होना बाकी है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मावा डाल के इसे फिर 5 मिनट और चलाऊँगी। फिर मैंने यहाँ पे प्लेट तैयार कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल, घी, आप कुछ भी लगा सकते हो, मैंने ये लगा लिया। और मैंने एक ये थाली तैयार कर ली है, एक ये प्लेट तैयार कर ली है, और ये रहा मेरा मावा। ये देखिए, ये मैंने कल निकाला, बहुत गिरेगा। ये मैंने मावा निकाल रखा था, और मैंने ये मावा कल निकाला था, और मैं लोच आज बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि साथ मैं शुरू कर लेती हूँ। ये देखो गाइस, मैंने ये इसमें मावा मिला के और इसे मिक्स करके अच्छे से और ऐसे प्लेटों में लगा दिया है। और अब मैं इसे ऐसे थोड़ा पुश कर रही हूँ ताकि ये जो मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं इसमें, ये अच्छे से इसमें दब के चिपक जाएँ। और ये मेरी दूसरी प्लेट है जिसमें भी मैंने इसमें भी मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े से मिक्स कर दिए हैं। इसमें मैंने किशमिश, बादाम डाले हैं, आप चाहो तो और भी कुछ डाल सकते हो, जैसे जो आपको पसंद हो। ये मेरी तीसरी प्लेट है, ये भी मैंने वो कर दिया है इसमें 2.5 किलो घी हमें और 3 किलो दूध में, 3.5 किलो दूध में मैंने मिक्स करके मावा निकाल दिया था 3.5 किलो का, क्योंकि जितना मावा होता है ना उतना टेस्ट अच्छा आता है, ऐसा कहा जाता है। और बाकी मैंने अच्छे से मावा निकाल के इसका 3.5 किलो दूध का 2.5 किलो घी हमें मिक्स करके अच्छे से कर दिया। ये रेडी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब इतना मीठा बन चुका है। सो अब ये नौरातों में भी काम आ सकता है, नवरात्रों के लिए अच्छी डिश है, इसको वैसे भी खा सकते हैं। सही सी बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, व्रत में अलाउड है ये चीज़ें खानी। तो आप लोग अपने व्रत के लिए ये डिश ट्राई कर सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना अगर आप लोगों को ऐसी ऐसी और डिशेस देखनी है, तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है आपको देखने में भी। अब टेस्ट तो आप लोग कर नहीं सकते, तो ये टेस्ट मैं खुद करके दिखाऊँगी इससे पहले कि ये ज़्यादा टाइट हो जाए। ये टाइट हो जाए, मुझे उससे पहले इसको इस तरीके से पीसीस में काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सूख गया ना तो फिर ये कटेगा नहीं, यू नो।
क्योंकि ये ऐंट जाता है और ऐंटने की वजह से हम इसके पीसेस नहीं कर पाएंगे, तो हम ना ऐसे कट करके इसको रख देंगे, क्योंकि अगर हम इस तरीके से रख देंगे तो बाद में हमें निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आप लोग भी इसे साथ के साथ इस तरीके से निकाल दीजिएगा। अब मैं इसको इधर से भी कर देती हूँ। अच्छा, पीसेस काटने का ना आपका खुद का अपना तरीका होना चाहिए कि आप लोगों को घर में मतलब किस तरीके के पीसेस खाने पसंद करते हैं, छोटे बड़े मीडियम जैसे भी स्टाइल में काटनी है, नॉर्मली सीधे तरीके से काटनी है, ये भी आपकी खुद की इच्छा है, तो आप इसी अकॉर्डिंग से काट सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। मैंने थोड़े इसी तरीके से काट दिए हैं क्योंकि मेरे घर में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी हैं जो खाते रहते हैं इन चीज़ों को, तो इनको इस तरीके से पीस काट दिए कि ज़्यादा खाने से उनको नुकसान भी ना हो और उनको ये भी ना लगे कि ये मतलब ज़्यादा बड़े पीसेस हैं छोटे पीसेस हैं, जो भी आप समझो इस तरीके से मैं इसकी कोली बराबर बराबर सारे पीसेस काट के रख दूँगी और इसे फिर थोड़ा सा पंखे की हवा के नीचे रख दूँगी मैं इसको। पंखे के नीचे रखने से ये हो जाएगा कि ये थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सूख जाएगा। ओके, अब ये मैं पीसा भी काट देती हूँ, ये जो मैंने थाली में निकाल रखा था इसके भी पीसेस मैं इसी तरीके से कर देती हूँ। सो मैंने ये पीसेस काट लिए हैं और मैं अब इन्हें सुखाने के लिए पंखे के नीचे रखूँगी। ठीक है, अब मैं इसको पंखे के नीचे रख दूँगी 1 से 2 घंटे तक के लिए, बाकी आप बीच में चेक कर सकते हो, अगर ये सूख जाएगा तो आप लोग इसे उठा के देख सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो कि ये निकल रहा है आराम से या नहीं निकल रहा है। अगर नहीं भी निकल रहा है तो ज़्यादा छिड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर और इसको रख देना, ये अपने आप ही निकल जाएगा। लेकिन इसमें फैलाने से पहले इसके नीचे तेल, घी, रिफाइंड जो भी आपके घर में चीज़ है आप वही इसमें थोड़ा सा वो होता है ना प्लेट में लगाना है नीचे तली पे, ताकि ये चिपके ना और आराम से ये पीसेस उठ भी सकें। तो अब देखते हैं कितनी देर में सूखते हैं और फिर जब ये उठ जाएंगे मैं आपको तुरंत बताऊंगी। ठीक है, सो तब तक जाके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगी है देखने में और वैसे भी कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और जाके घंटे बजा लीजिए ताकि आपको और भी ऐसी ऐसी वीडियो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इनको सूखने के लिए रख देते हैं, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ पीसेस निकाल के। चलिए, हेलो गाइस, ये देखिए ये मैंने ऐसे जमा ली थी और अब मैं आपको हटा के दिखाती हूँ, ये ऐसे करके थोड़ा सा और इस तरीके से ऊपर से हाथ टिकाना है और ये ऐसे करके आराम से निकल जाएगी। ऐसे ही ये जितने भी मैंने पीसेस काट रखे हैं सारे इसी तरीके से निकल जाएंगे और आप लोग इसी तरीके से बना सकते हो, ट्राई करके देखो और ट्राई करके फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसे लगे हैं आप लोगों को, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नई डिशेज के साथ। ओके, बाय, राधे राधे।